खैरियत के साथ तेरे खैरियत और बरकत की दुआ करता हूँ। अपने खैरियत के साथ तेरे खैरियत और बरकत की दुआ करता हूँ। कभी अपनी रूह से पूछना, ये जीवन भी तेरी दुआओं से ही जीता। इसी तरीके से और एक शेर लिखा था, कब तक खुद में मैं मुस्कुराऊं, आप सभी को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। कब तक खुद में मैं मुस्कुराऊं, आप सभी को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी गीत गजलें भी दुआ दे रही हैं, आपको अपनी मंजिल पाते हुए देखना चाहता हूँ। हम लोग कवि हैं, कवि की कोई आयु नहीं होती, कवि हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे कोई भी युग रहे कविताओं से जिंदा रहता है, चाहे वो आदि कवि वाल्मीकि हो, अब तक जो भी चले आ रहे हैं। तो कविता जो होती है हमारे सर की ताज होती है, राजनीति जो होती है हमारे पैर की जूतियां होती है। जब भी हम मंच पे आए तो पैर की जूतियां उतार के आनी चाहिए, लेकिन कई बार नौबत ऐसी आती है जब हमारी कोई पगड़ी पे हाथ लगाता है तो पैर की जूतियां निकालनी पड़ती है। तब मैंने एक शेर लिखा था कि रियासत और सियासत को इनकार करता हूँ, रियासत और सियासत को इनकार करता हूँ, कवि हूँ काव्य भाषा से प्रहार करता हूँ। रियासत और सियासत को इनकार करता हूँ, कवि हूँ काव्य भाषा से प्रहार करता हूँ। सृजन का बीज बनकर जिंदा रहूंगा अनंत युगों तक, तुम्हारे कुछ वर्षों की सत्ता को इनकार करता हूँ। कुछ परिस्थितियां मेरे साथ हाल ही फिलहाल में गुजरी थी, उसमें मैंने दो लाइनें लिखी थी कि वक्त की हर नजाकत अब तो आजकल मेरे खिलाफ है, वक्त की हर नजाकत अब तो आजकल मेरे खिलाफ है। गर्दिशों का दौर चल रहा है, सब कहते हैं कौन आप है। गर्दिशों का दौर चल रहा है, सब कहते हैं कौन आप हैं। मैं मानता हूँ वक्त की हर सितम आज मेरे साथ है, मैं मानता हूँ वक्त की हर सितम आज मेरे साथ है। गर्दिशों का दौर चल रहा है, सब कहते हैं कौन आप हैं। जैसे छोटा भाई हेमंत बोला कि मोटिवेट करता हूँ, तो उसमें मैं अपना एक गजल सुनाता हूँ, उसका एक शेर है, सबके लिए इंस्पायर करने वाली बात होती है। तो उसमें मैंने लिखा था कि मुकद्दर में मिलना ही है तो जिदार कौन करेगा, मुकद्दर में मिलना ही है तो जिदार कौन करेगा, किस्मत में शोहरत ही है तो शर्मिंदा कौन करेगा। जिंदगी से हर चीज मिल जाती है दोस्त, जुनून जिंदगी से हर चीज मिल जाती है दोस्त, जुनून को खुद में जिंदा कौन करेगा। अगला शेर है कि जस्तजू करने पर तो खुदा भी मिलता है यारो, जस्तजू करने पर तो खुदा भी मिलता है यारो, मगर दुनिया में मसरूफ वो बंदा कौन करेगा। आखिरी शेर है इसका कि कायनात में हर कोई शायर कहलाने का हकदार नहीं, कायनात में हर कोई शायर कहलाने का हकदार नहीं होता। खुददार दिल निसार रुख तर्दीले जज्बात जिंदा कौन करेगा, मुकद्दर में मिलना ही जिंदा कौन करेगा। एक दो शेर अभी हाल ही फिलहाल में मैंने लिखे हैं कि जब आपको कि मैंने जज्बात हजारों के नजारों में देखे हैं, मैंने जज्बात हजारों के नजारों में देखे हैं, उसके दिल के हर बात इशारों में देखे हैं। तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बस एक दो शेर और सुना के मैं विदा लेता हूँ कि एक मतलब आपकी जो आशिकी पूरी आती है तो उस पर कभी दुखी होना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा किसी चीज को इतना महत्वपूर्ण ना बनाओ उसके अंदर जिंदगी अधूरी लगे आपको। आप कहीं भी रहो, जिंदा रहो, खुश रहो, यही जिंदगी है। तो एक आखिरी शेर के साथ मैं विदा लूंगा कि दूर हूँ दूर ही रहूंगा, ये आप आसकी दिल टूट गया रोइये मत, खुददारी के साथ बोलिए कि दूर हूँ दूर ही रहूंगा, मेरा साया भी ना कभी तेरे करीब रहेगा। दूर हूँ दूर ही रहूंगा, मेरा साया भी ना कभी तेरे करीब रहेगा, अगर दौलत की बहल तेरी खुशी है तो ये आशिक ताउम्र करीब रहेगा।